हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नसीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पर गुरुजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको 7 इंच LED जो है मोटर कार के लिए है, इसका रिव्यू कराऊंगा और इसको चेक करके दिखाऊंगा। ये जो है ये ऑल फॉर्मेट है दोस्तों, ये इसका बॉक्स है, आपको नज़र आ रहा है। ये ब्लूटूथ के साथ भी कनेक्ट होती है और इसमें FM रेडियो भी है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की LED है ये, फुल HD ये LED है। देखिए दोस्तों, ये है ब्लूटूथ टच स्क्रीन और इसमें एक ख़ास बात ये भी है कि ये टच है। इसके साथ ये कलर वगैरह है, कैसे ये कौन सी कलर क्या है, ये ब्लैक कलर की है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इसके ये के ये इसमें USB NTF कार्ड ऑटो प्ले, इस तरह के इसके स्पेसिफिकेशन है फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत ही कमाल की LED है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे साथ LED है, इसको हम रख लेते हैं इस एक साइड पर। इसकी मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके साथ है ये अपने केबल्स, आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपको इसको कनेक्ट करके भी दिखा देता हूँ कि आप इसको मोटर कार में किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, और इसमें ये है हमारे साथ इसकी स्टैंड। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसकी स्टैंड है और ये इसका रिमोट कंट्रोल है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसकी कुछ मैनुअल गाइड के आप इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे अपनी गाड़ी में, या रिमोट वगैरह किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये आप इससे भी तरीका जान सकते हैं, अगर आप इसको पढ़ ले तो आपको पता लग जाएगा कि आप इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको LED भी दिखा देता हूँ कि ये किस टाइप की LED है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे साथ LED है, आपको नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की इसकी क्वालिटी है और बहुत ही फुल HD गाने भी ये चलाता है, MP4 MKV, जिसे मैं आपको अगर इसके यूज़र मैनुअल में दिखा दूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको इसके यूज़र मैनुअल दिखा दूँ तो इस पर दे दे कि आप पढ़ सकते हैं कि ये कौन कौन से फॉर्मेट के गाने जो है वो प्ले करेंगे, वीडियोस प्ले करेंगे। ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, इसमें सारे फॉर्मेट है, ये चलाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको फिर भी कोई मसला हो या इसकी प्राइस जाननी हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसके साथ ये है अपनी वायर, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स, ये है इसका प्लस और ये है इसकी माइनस वायर। इसको आप प्लस के साथ लगाएंगे और इसको माइनस से, और ये ग्रीन वाला जो है ये पार्किंग लाइट के लिए है, ऑटोमेटिक कार्स में लगता है। और ये जो है, मैं इसको खोल लेता हूँ, ये वाला जो है आप इसको LCD के साथ कनेक्ट करेंगे। LCD के साथ आप इसको किस तरह से कनेक्ट करेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको LCD के साथ किस तरह से कनेक्ट करेंगे। ये निशान आपको नज़र आ रहा है, ये इस वायर पर भी है यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको अपने एक दूसरे के सामने कर ले और पुश कर ले तो ये लग जाएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रेंड्स इसके साथ ये वायर्स है और कुछ लीड है। तो ये वायर जो है ये प्लस है, आपको नज़र आ रहा है, रेड वाला वायर जो है ये प्लस है और ये ब्लैक वाली जो है ये माइनस वायर है। और ये जो है ये पार्किंग लाइट के साथ लगती है ऑटोमेटिक कार्स वगैरह में, अगर आप इसको ना भी लगाएं तो कोई टेंशन नहीं। और ये दो लीडें जो है ये DVD के लिए हैं, अगर आपके कार में DVD है तो आप उसको लगा सकते हैं DVD के साथ। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसको चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाएंगे तो ये खुद ब खुद ऑन हो जाएगी, अगर ये खुद ऑन नहीं होगी तो
तो यहाँ से इसकी ये पावर बटन है फ्रेंड्स, ये इसकी जो है कीज़ वगैरह है, आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आप अप डाउन कर सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की एलईडी स्क्रीन है ये फ्रेंड्स, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, बहुत ही बेहतरीन इसकी क्वालिटी है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल पर गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो कहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जिन दोस्तों जिन भाइयों ने सब्सक्राइब किया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।